ओम शांति। हमारे पूरे कल्प का ये पुरुषोत्तम संगम योगी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसमें हमें अपने जन्म जन्म का भाग्य बनाना है, अपने को ईश्वरीय खजानों से संपन्न करना है। याद रखें, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और हम सभी जिन्होंने बहुत प्रभु पालना ली है, वो इस समय को याद किया करेंगे कि वह ऐसे भी दिन आए थे जब भगवान हमारे सम्मुख बैठा था, जब उसने निस्दिन हमारी पालना की थी, जब हमारा पूरा ध्यान रखा था, हमें शक्तियां दी थी, हमें गाइड किया था, हमें पढ़ाया था और हमें बहुत प्यार दिया था। याद किया करेंगे हम सभी इन दिनों को, कैसे हमने संगम युग के अपने दिन बिताए, हमने इसका भरपूर फायदा उठाया या व्यर्थ में अपना अनमोल समय गंवा दिया, अपने को देखने में सुंदर समय व्यतीत किया या दूसरों को देखने में अपनी खुशी को नष्ट कर दिया, भगवान से बातें करने का परम आनंद लिया या दूसरों की बातों में बहकर हम अपने पथ से विमुख हो गए, हमने अपने में शक्तियां भरी या दूसरों को देखते हुए हम भी अलबेले रह गए। यदि हमने ये भाग्य बनाने के दिन यूं ही बिता दिए होंगे तो हमें पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आइए स्वयं से बातें करें, मेरा एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है और मेरा एक एक संकल्प बहुत ही महान है। भाग्य निर्माता है, जन्म जन्म के लिए मुझे एनर्जी देने वाला है, क्यों न मैं इस समय का भरपूर फायदा उठाऊं। ये खेलने कूदने के दिन तो फिर आ जाएंगे, ये खाने पीने के क्षण तो चारों युग हमारे हाथ में रहेंगे, ये मनुष्यों से बातें करने की वेला तो रोज हमारे पास आएगी, परंतु प्रभु मिलन के ये गोल्डन क्षण दोबारा नहीं आएंगे। क्या कर रहे हैं हम? कहीं हम इधर उधर उलझ तो नहीं गए हैं? कहीं तेरी मेरी में, कहीं मान शान की कामना में, कहीं स्वार्थ में, कहीं कल्पनाओं और अनुमान के चक्कर में हम अपने अनमोल क्षणों को यों ही कौड़ी के बदले गंवा तो नहीं रहे हैं? सोच लें, न ये धन काम आएगा, न ये पद पोजीशन, न मान सम्मान, कुछ भी नहीं। काम आएगी केवल महान स्थिति, काम आएंगे अपने पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म भी वे जो हमने निष्काम भाव से किए होंगे। यदि पुण्य कर्म करके हमने उनका बखान किया होगा, यदि पुण्य कर्मों के पीछे हमारा स्वार्थ रहा होगा, नाम की इच्छा रही होगी, हमने दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया होगा, केवल मैं ही मैं रहूं, तो हमारे पुण्य का खाता भी छीन होता जाएगा। तो हम बुद्धिमान बाबा के बच्चे, जिनको सद्विवेक प्राप्त हुआ है, चिंतन करें इन अनमोल सुंदर क्षणों का लाभ हम कैसे कैसे उठाएं। और आज सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करें। सूक्ष्म लोक में बाप दादा हमें बुला रहे हैं, देखो बाबा को, कह रहे आओ बच्चे, और हम उड़कर चले जाते हैं बाप दादा के पास। दृष्टि देते हैं बाबा, और बाबा ने हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। उनके हाथ से सुखद वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं और देखो फिर हम बाबा को बुला रहे हैं, आओ बाबा आ जाओ। और सूक्ष्म वतन से बाप दादा हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे वो सामने हैं
और फिर उन्होंने हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है और ये आने और जाने की ड्रिल सारा दिन करते रहेंगे।